हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिंदी मास्टरमाइंड। मैं हूं आपका दोस्त बलराम मीणा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के अंदर जो है किसी भी डॉक्यूमेंट के सिलेक्टेड टेक्स्ट को और सिलेक्टेड पेजेस को कैसे प्रिंट करवाते हैं वो देखने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर एमएस वर्ड ओपन करते हैं। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करवा लेता हूँ। देखिए यहाँ पर टेक्स्ट आ चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको सेलेक्टेड टेक्स्ट अगर आपको प्रिंट करवाना है, मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का टेक्स्ट अगर आपको प्रिंट करवाना है और आप चाहते हैं कि बाकी कुछ भी प्रिंट ना हो, तो आपको क्या करना है, पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आप प्रिंट ऑप्शन पर चले जाइए। कंट्रोल पी शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ पी दबाइए तो आप प्रिंट के ऑप्शन पर चले जाएंगे, या फिर आप फाइल और प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए तो आप यहाँ पर भी प्रिंट के ऑप्शन पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर पहले आप सबसे पहले यहाँ पर आप अपना जो प्रिंटर है वो सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर मेरे पास प्रिंटर नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊँगा और आपको यहाँ पर पता भी नहीं चलेगा कि मैंने एक्चुअली में ये प्रिंट हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन जब आप इसको ट्राई करेंगे, आपके पास प्रिंटर होगा और अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो ये डेफिनेटली ये वर्क करेगा, आपको सिर्फ सिलेक्टेड टेक्स्ट ही प्रिंट होगा। तो पहले आप अपना जो प्रिंटर है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पर प्रिंट ऑल पेजेस जो लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट सिलेक्शन जो लिखा हुआ है आपको इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस ऑप्शन को आप जब सेलेक्ट करेंगे तो जो आपने सेलेक्शन किया है, ये ऑप्शन जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो जो आपने सेलेक्ट किया था सिर्फ वही एरिया आपका प्रिंट होगा, सिर्फ वही टेक्स्ट आपका प्रिंट होगा, बाकी आपका कुछ ज़्यादा टेक्स्ट प्रिंट नहीं होगा, बाकी आपके अदर पेजेस जो है वो प्रिंट नहीं होंगे। और इसी टाइप से अगर आप यहाँ पर प्रिंट करंट पेज, अगर आप जिस पेज पर हैं आप चाहते हैं कि मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये पेज आप सिर्फ ये फर्स्ट वाला पेज आप इस पर है और आप इसमें करीब करीब काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं, तो इस इन पेजेस को छोड़ करके आप सिर्फ ये एक पेज प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो कैसे प्रिंट करवाएं, तो उसके लिए क्या है कि आप उस पेज पर आ जाइए जिस पेज को आपको प्रिंट करवाना है और उस पेज के ऊपर कर्सर आप रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, वापस से प्रिंट ऑप्शन पर चले जाइए। प्रिंट ऑप्शन पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर ये जो ऑल पेजेस लिखा हुआ है, यहाँ से आपको प्रिंट करंट पेज ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले हमने जो सिलेक्शन कर रखा था, पहले हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था इस वजह से ये ऑप्शन एक्टिवेट था। अब हमने सेलेक्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट ही नहीं कर रखा है तो ये ऑप्शन भी ये ऑप्शन जो है ये डीएक्टिवेट हो गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो सिलेक्शन के लिए ही था। तो आप इससे सिलेक्शन वाला जो टेक्स्ट है, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो प्रिंट करवा सकते थे इस ऑप्शन से। इस ऑप्शन का यूज़ मैं बता रहा हूँ कि आप करंट पेज अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, जिस पेज के ऊपर आप अभी हैं वो पेज अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ये इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, आपका वो पेज प्रिंट हो जाएगा। और अगर आप सारे पेजेज में से, सभी पेजेज में से अगर आप कुछ एक पेजेज, जैसे कि आप दूसरा पेज, दूसरे नंबर का पेज प्रिंट करवाना चाहते हैं, उसके बाद में आप 4 से लेकर के 8वें नंबर तक के पेज प्रिंट करवाना चाहते हैं और उसके बाद में आप 10वां पेज प्रिंट करवाना चाहते हैं, अगर आप ऐसा करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर जो है सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है कस्टम प्रिंट, आपको इसको सेलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पर टाइप करना है। देखिए आप जैसे ही इस पर माउस कर्सर ले जाएंगे तो आपको यहाँ पर हिंट भी दिया हुआ है कि आपको क्या करना है। तो ये देखिए, जैसे कि मुझे दूसरा पेज प्रिंट करवाना है, फिर मैं कोमा लगा दूंगा, फिर थोड़ा सा स्पेस दूंगा और अब मुझे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 4 से 6 तक के पेज प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो 4 और उसके बीच में डैश लगाऊंगा और 6 लगा दूंगा, उसके बाद में कोमा लगा दूंगा और वापस से मैं मान लीजिए कि 8वां पेज मुझे प्रिंट करवाना है तो मैं 8 लगा दूंगा। ऐसे करके मैं इस टाइप से इसको क्रम में लिख सकता हूँ। ऐसे लिख करके जैसे ही मैं प्रिंट ऑप्शन पर, प्रिंट बटन पर क्लिक करूँगा तो जो मेरे जो पेजेज है वो प्रिंट हो जाएंगे। सिर्फ यही पेजेस प्रिंट होंगे, जैसे कि दूसरा पेज प्रिंट होगा और 4 से लेकर के 6, यानी कि 4, 5 और 6, 4, 5, 6 ये तीनों पेज भी प्रिंट होंगे और उसके अलावा 7वां छूट जाएगा और उसके बाद में 8वां नंबर का जो पेज है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है
सेलेक्टेड पेज और सेलेक्टेड टेक्स्ट हम प्रिंट करवा सकते हैं, करंट पेज इस टाइप से हम प्रिंट करवा सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे पास प्रिंटर नहीं था इसलिए मैं आपको प्रिंट करके नहीं बता पाया। और उसके बाद में फ्रेंड्स मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इसमें अगर आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।